नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे इस वक्त की पहली बड़ी खबर के साथ। त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये कहा है अमित शाह ने। गृहमंत्री ने आज ये कहा कि 2002 से लोग पीएम मोदी के पीछे पड़े हैं, पीएम मोदी के खिलाफ 2002 से ही साजिश रची जा रही है। एक इंटरव्यू में ये बात उन्होंने कही है। वही अडानी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसमें छिपाने या डरने लायक कुछ भी नहीं है, विपक्ष सिर्फ शोर मचाना जानता है। तो आपको बता दें कि ANI को दिए हुए इंटरव्यू में अलग अलग मुद्दों पर अमित शाह ने ये बातें कही हैं। अडानी मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं, साक्ष्य हैं, तो कोर्ट जाएं। वहीं कश्मीर को लेकर भी उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाना हमारे एजेंडे में था, वन नेशन वन इलेक्शन पर अब विचार हो, ये बातें उन्होंने कही है इंटरव्यू के दौरान। ANI को उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया जिसकी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, और इस इंटरव्यू की जो बड़ी बातें हैं वो आपके सामने। और त्रिपुरा चुनाव से पहले उनका ये इंटरव्यू बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की है। अडानी मुद्दे को लेकर उन्होंने साफ कहा कि अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले का संज्ञान लिया है, तो ऐसे में बतौर कैबिनेट मंत्री मेरा इस मामले में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। हमने हिंसा को समाप्त करने का वादा किया था और हमने हिंसा को समाप्त किया है। हमने नशे के कारोबार को जो बांग्लादेश की सीमाओं से आता है उसको रोकने का वादा किया था। आज मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं हमने त्रिपुरा के अंदर नशे के कारोबार पर बड़ी कठोरता से नकेल कसी है, और इसका जनता में एक अच्छा मैसेज है। और हम इस बार नारा लेकर आए हैं, त्रिपुरा शांत हो चुका है, त्रिपुरा में अब वायलेंस नहीं है, अब त्रिपुरा को समृद्ध बनाने का समय आया है। मोदी जी और माणिक शाह की ये डबल इंजन की सरकार ने वो वादे को पूरा करने के लिए भी अब तक बहुत कुछ किया है। तो त्रिपुरा को लेकर अमित शाह के बयान को आप सुन रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होगा, ये अहम सवाल उनसे पूछा गया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो विकास हुआ है वो हमारी सरकार ने लगातार किया है, और 370 धारा 370 हटाकर हमने कश्मीर के विकास का राह प्रशस्त किया है। कई बातें उनसे पूछी गई, और खास तौर पर अगले आम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि देश सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को ही चाहता है, और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी बंपर जीत हासिल करेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। अमित शाह ने ANI को ये इंटरव्यू दिया है त्रिपुरा चुनाव से पहले, और उन सब मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। अडानी मुद्दे पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष को कोर्ट का रुख करना चाहिए, अगर उनके पास कोई सबूत है तो कोर्ट का रुख करें, और ये मामला पहले चल रहा है कोर्ट में, इसलिए कुछ भी मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं होगा बतौर कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि 2002 से ही उनके खिलाफ एक साजिश चल रही है, लेकिन देश प्रधानमंत्री को चाहता है। सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो कुछ नहीं होता है, वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।